अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ाहिद फिनोली एडवोकेट, आप देख रहे हैं ला एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाल्स एफआईआर, झूठी एफआईआर के हवाले से। झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले शख्स को सजा दिलवाने के हवाले से, कैसी सजा दिलवाई जा सकती है झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले को। व्यूअर्स, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, रवाज बन गया है कि लोग छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो घरेलू मसाइल हों, चाहे वो उनकी ज़मीन के तनाज़ियात हों, या लेन देन के मामलात हों, या कोई और इस तरह का रिश्ते का मसला हो, तो दूसरे फरीक से अपने नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए उसके खिलाफ़ झूठा बकुआ गढ़ के झूठी एफआईआर दर्ज करा लेते हैं, और फिर उस झूठी एफआईआर की बुनियाद पर कोशिश करते हैं दूसरे शख्स को परेशान करने की, हरासा करने की, ब्लैकमेल करने की, और ब्लैकमेल करके अपने नाजायज़ मुतालबात के हुसूल की। लेकिन अगर वो एफआईआर झूठी हो और जो पुलिस ऑफिसर जिसने वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड की है उसको इस बात का पता चल जाए कि ये एफआईआर झूठी है, तो फिर ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 182 हरकत में आती है। सेक्शन 182 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहती है कि अगर कोई शख्स किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे, झूठी इन्फॉर्मेशन दे किसी शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और ये जो लीगल मशीनरी है, लॉफुल मशीनरी है, उसको हरकत में लाए अपने झूठे मनगढ़ंत एफआईआर के हुसूल के लिए, कार्रवाई के हुसूल के लिए, तो फिर ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास इस तरह की झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए मामला आया, वो ये जानने के बाद कि ये शख्स झूठा है, इसने झूठा वकुआ गढ़ा है, इसने झूठी एफआईआर करवाई है, उस कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई करेगा? सबसे पहले उसका कंप्लेनेंट को अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार करेगा, उसको गिरफ्तार करके पेश करेगा मजिस्ट्रेट के पास, जो भी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होगा, और फिर मजिस्ट्रेट अहकामात देगा, हुक्म देगा उस इंस्पेक्टर को, उस पुलिस ऑफिसर को, कि इस शख्स के खिलाफ जिसने झूठी एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड करवाई है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब जब इस तरह की एफआईआर इस झूठे शख्स के खिलाफ हो गई, तो फिर इस शख्स को सजा दिलवाई जा सकती है 6 महीने तक की सजाए के 6 महीने तक की। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आखिर में आपसे फिर गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी मालूमाती लीगल अवेयरनेस के हवाले से वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।